फ्रेंड्स, मैं साजन और आप देख रहे हैं समाज की खबर हिंदी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसके बाद आप खुशी से फूले ना समाएंगे। एनी प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, फैजान कंप्यूटर्स। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, आपको नया कंप्यूटर चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, नया हार्ड डिस्क चाहिए, या आपके कंप्यूटर को रिपेयरिंग की जरूरत है, या आपके पीसी को, फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड आपको सब मिल सकता है। जैसे कि आप नंबर देख ही सकते होंगे 9769025411। अगर आपको इनसे कोई भी काम है तो आप इनसे संपर्क करें, ये आपकी मदद जरूर करेंगे। तो चलिए आज की हमारी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। संजय सिंह ने प्रेस मीटिंग में थैला दिखाकर मोदी को दिया संदेश, चलिए देखते हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े हैं, झूठा बदनाम करना, झूठा फसाना, जेल का, मुकदमे का, डंडे का, लाठी का भय दिखाना, इस पूरी साजिश में जो मोदी जी और उनकी पार्टी फंसी हुई है, उसने फिर एक कारनामा कराया। और तब से एक नारा भी चल रहा है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाकर रखें, वरना ईडी छापा मार सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं बार बार कह चुका हूं, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार मेरे खिलाफ नहीं पाओगे, जितनी जांच मनाए कर लो। और मैंने तो यहां भी कहा, यहां तक कहा था कि प्रधानमंत्री जी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी कुछ भी मेरे खिलाफ मिलने वाला नहीं। और इस बात को पूरी की पूरी बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि अगर मैं आपके मित्र अडानी के घोटाले को उजागर कर रहा हूं और जेपीसी की मांग कर रहा हूं, अगर मैं किसानों के मुद्दे पर आपके सामने आकर आपका विरोध कर रहा हूं, अगर मैं भारत के गृहमंत्री का विरोध कर रहा हूं, अगर मैं आपके सबसे करीबी दोस्त के घोटाले को पूरे देश के सामने उजागर कर रहा हूं और ईडी को बार बार लिखकर शिकायत दे रहा हूं, तो ये तो आप, मैं जान ही रहा हूं कि आप मेरी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे, आप मेरे खिलाफ जो मन में आएगा वो करेंगे, आप मुझे बदनाम करने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, लेकिन कुछ पाएंगे नहीं। और यही काम ईडी ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर किया। अभी 2 दिन पहले हमारे 3 साथियों के खिलाफ बेबुनियाद, झूठा, निराधार और मुझे बदनाम करने के लिए उनके घर पे छापेमारी की, मोदी जी के कहने पे। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के कहने पे हो रहा है। जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, ईडी ने 1 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, 2 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, 3 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, और जब मैंने डिफेमेशन का नोटिस दिया, ईडी ने 20 दिन लगभग 20 दिन पहले गलती मानी, लिख के दिया कि मुझसे गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। तो मैंने कहा भाई नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे जांच मत करो। और ईडी अपना मजाक उड़वा रही है प्रधानमंत्री के चक्कर में, भाजपाइयों के चक्कर में। क्या हमें पता नहीं कि एक बार जब चार्जशीट फाइल होती है तो 5 बार उसको पढ़ा जाता है? एक थानेदार भी कोई चार्जशीट तैयार करता है तो 5 बार उसको पढ़ता है? और आप एक सांसद का नाम कह रहे हैं ऐसे ही हमने गलती से डाल दिया, बेवकूफ समझ रहे हैं इस देश के लोगों को? तो जब उसमें सफल नहीं हुए, गलती माननी पड़ी, भारत के इतिहास में पहली बार ईडी ने गलती मानी अपनी सार्वजनिक रूप से, तो उससे ईडी अपमानित हुई। मोदी जी के सामने अब कोई रास्ता बचा नहीं कि कैसे कार्रवाई करें, ये तो अब गलती भी मान ली ईडी ने। संजय सिंह ने तो डिफेमेशन का नोटिस भी भेज दिया, हमें तो लग रहा था धीरे धीरे ऐसे करके इसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, ये तो सारा खेल गड़बड़ हो गया। तो इनके साथियों के घर छापेमारी करो,
तो किसके यहां छापेमारी की? विवेक त्यागी के यहां, अजीत त्यागी के यहां, सर्वेश मिश्रा के यहां, उनके यहां छापेमारी की। और छापेमारी में उन लोगों के फोन उठा के ले गए, फोन सीज करके ले गए, वो कागज आपको भी दे देंगे। कुछ नहीं मिला उन लोगों के घर पे, फोन उठा के लेके गए। अब फोन मिल गया है, अब मेरी सर्वेश मिश्रा के साथ, अजीत त्यागी के साथ, विवेक त्यागी के साथ क्या चैट है, क्या बातचीत है, उसको मोदी जी को जरूर पढ़ाइएगा। मैं ईडी के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, जरूर पढ़ाना, पता चले जिससे कि कोरोना के समय में, बाकी समय में कितने मरीजों की उन लोगों के माध्यम से मदद की गई, कितने लोगों की सेवा की गई, कितना काम उन लोगों को कहा गया कि इसकी मदद करो, ऐसे करो, ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो, इसको इस अस्पताल में दिखाना है, इसको सारी चैट पढ़ना। मैं ईडी वालों को कह रहा हूं, और मोदी जी को भी एक कॉपी भेजना उसकी, मेल डाउनलोड किया है, सारी मेल भी पढ़ना, पूरा खंगाल डालो। और मैंने तो आज अपने घर पे बोर्ड भी लगा दिया है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाए रखें, वरना ईडी किसी भी समय छापा मार सकती है, आज्ञा से नरेंद्र मोदी। आप लोग जाके देख लीजिए, मैंने अपने घर के आगे बोर्ड लगा दिया है, आप लोग जाइए। और मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं, जिस दिन मन हो आओ, लेकिन मेरा इतिहास तो पता कर लो कम से कम। इतना दिन का सार्वजनिक जीवन है, बेदाग जीवन है, पता कर लो। 23-23 मुकदमे उत्तर प्रदेश में हुए, मेरे खिलाफ नहीं झुका। नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त अडानी के लाखों करोड़ के घोटाले को उजागर किया, जेपीसी की मांग की संसद के अंदर, नहीं झुका। प्रधानमंत्री से किसानों के मुद्दे पर, अडानी के, जेपीसी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ता रहता हूं, नहीं झुका। देश के गृह मंत्री की तानाशाही के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाई, नहीं झुका। आप सोच रहे हो ऐसे जांच फांच बदर घुड़की, अरे जिसको जेल से, मुकदमे से, डंडे से, लाठी से डर लगता है उसको डराना। हम तो तुमसे 11 बार मेल करके समय मांगा है मोदी जी, आपकी ईडी से मैंने 11 बार समय मांगा, 11 बार मेल भेज के समय मांगा, हमें समय नहीं दिया आज तक, यही आपके दोस्त का कच्चा चिट्ठा देने के लिए, ये अडानी का घोटाला दिखाने के लिए। आपकी ईडी से मोदी जी मैंने 11 बार मेल करके समय मांगा, यही अडानी का घोटाला दिखाने के लिए। मेरे घर पे भेजते आप ईडी, ये सारे कागज आपको मिल जाते हैं, कहां कहां कोयला की खदानें आपने दी है, कहां कहां आपके दोस्त के साथ मिलकर आपने भ्रष्टाचार किया है, ये सब देता मैं, आप भेजिए। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, ये बदर घुड़की और डराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं मरने की हद तक आपसे लड़ने को तैयार हूं मोदी जी, क्योंकि पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताता हूं, किसी से डरता नहीं, किसी से डरने का सवाल ही नहीं उठता, और मरने की हद तक आप तो जेल, मुकदमा, पूछताछ ये सब सोच रहे होंगे, मैं तो आपसे खुलेआम कह रहा हूं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं, मरने की हद तक लड़ने को तैयार हो, ये सब काम मत करो। तो हमारे आज के समाचार यहीं पे खत्म होते हैं, और आपको ऐसे ही समाचार मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल समाज की खबर हिंदी टीवी न्यूज के साथ जुड़े रहें। तब तक ले जय हिंद।